बिलोंग करने वाली कोई एक ऐसी वुमेन बताएं जो कि फाइटर पायलट हो या किसी भी फील्ड में किसी अच्छे अहदे पर हो। फॉर्म खबर देंगे, इस्लामाबाद आई टेन में मुबैना खुदकुश हमला हुआ है। ये जो खुदकुश हमलावर था ये था नहीं बल्कि थी, यानी कोई खातून थी, कोई औरत थी। कि अगर आपको कुछ अर्सा पहले का वाकया याद हो तो ऐसे खुदकुश बमबाज खवातीन तैयार की गई हैं। क्या आप इंसाफ कायम करें? तो और तालीम नहीं हो सकती, आला तालीम तो। अगर हम इंडिया की बात करें, वहाँ पर मुस्लिम इंडियन लड़की बनी है। साथ में रही इंडिया की बात, वो जमहूरियत में बड़ी जबरदस्त है, दुनिया में सबसे वन है, ऐसी कोई बात नहीं। इंडिया की मैशत दुनिया के पांचवें नंबर पर आ गई, वो पहले नंबर में भी आएगी। उसकी वजह है कि उनमें एका बहुत है, वो अपने देश की बात करते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं अपने देश की बात करते हैं। ले गई है और जिस नेट पे हम पहुंच चुके हैं वहां पे ये मुल्क आगे कैसे चलेगा? बाहर की दुनिया हमें देख रही है और हमारा मजाक उड़ा रही है। फाइटर जेट की ये पायलट बनी है, तो आपको पता है कि मुस्लिम वहां पर हुक्मरान भी बन चुका है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में नहीं हुआ। वो क्वेश्चंस रेज करते हैं। इंडिया की यूपी से बिलोंग करने वाली सानिया मिर्जा जो कि फर्स्ट मुस्लिम वुमेन फाइटर पायलट बनी है इंडिया से, और पाकिस्तान में क्योंकि कहा जाता है कि इंडिया के जो मुस्लिम है वो अच्छी कंडीशन में नहीं रहते, पाकिस्तान में ये तासुर दिया जाता है कि इंडिया की जो मुस्लिम खवातीन है उन्हें आगे बढ़ने की ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद नहीं। तो फिर इस न्यूज पर पाकिस्तान की पब्लिक से ओपिनियन लूंगा, साथ ही साथ ये पूछूंगा कि पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करने वाली कोई एक ऐसी बताएं जो कि फाइटर पायलट हो या किसी भी फील्ड में किसी अच्छे अहदे पर हो। अगर खवातीन की बात करें, खासतौर पे मुस्लिम खवातीन की बात करें जो इंडिया में हैं, आपको क्या लगता है उनको उनके राइट्स मिल रहे हैं? वो इक्वल, मतलब जैसे उनके जो जो जिस फील्ड में वो जाना चाहती हैं उस फील्ड में इजीली वो अपना काम कर पा रही हैं या नहीं? देखिए, अगर नॉर्मल सिनेरियो में बात की जाए तो इंडिया में ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बायसनेस है। लेकिन वो जिन लोगों में बायसनेस है उन लोगों के पास ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो प्राइवेट सेक्टर में, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में होगा थोड़ा बहुत, वो यहाँ भी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में जो बंदा द बेस्ट विन विल, उसमें ये है कि जो बेस्ट होगा वही जीतेगा। तो वहाँ भी मेरे ख्याल में, और इवन पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में तो जैसे तासुर दिया जाता है कि इंडिया की खवातीन, मुस्लिम खवातीन को उन्हें मतलब उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे या उन्हें बहुत दबाया जा रहा है। मैं इस हवाले से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझे कोई एक फील्ड बताएं जिसमें इंडिया की कोई एक फील्ड जहाँ पर आप कह सकें कि इस फील्ड में इंडिया की मुस्लिम खवातीन में से कोई खातून मौजूद नहीं। मैंने इतनी को डीप इसकी स्टडी नहीं की, लेकिन वहाँ पे ना पॉइंट जो है ना ज्यादा उसको बहुत ज्यादा एस्केलेट किया जाता है चीजों को, कि कोई भी इशू जैसे पर्दे का मामला था, एक मतलब छोटी बात को बड़ा करके बढ़ा दिया जाता है, इतना इशू होता नहीं जितना मीडिया पे हमें दिखा दिया। जितनी पॉपुलेशन है ना वहाँ पे, अगर हजार बंदों में से एक केस आता है तो यहाँ पे सौ में से एक केस आता है, तो हमारे रेशो ज्यादा है उनके मुताबिक। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव है, रिपोर्टिंग है, लोग रजिस्ट करते हैं। यहाँ पे तो हमारे पास अन रिपोर्टेड केसेस इतने ज्यादा है, ना कोई रजिस्ट करता है ना कोई रिपोर्ट करता है। अभी तो हम बात करें मुस्लिम की, अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहते हुए खवातीन, और फिर अगर हिंदू खवातीन की बात करें या मिनोरिटीज की बात करें जो सिंध वाली साइड पे, आपको क्या लगता है उन्हें उनके राइट मिल रहे हैं? अगर आप बिल्कुल रियलिस्ट होकर बोले, सिंध में तो बेसिक पाकिस्तानी जो राइट है ना, सिविल राइट है, वही एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो एक नॉन मुस्लिम से आप कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, उसके साथ बेहतरी हो रही होगी। वहाँ पे तो मेल डोमिनेंस भी इतनी ज्यादा नहीं है। जो लास्ट वीक मेरा विजिट था, 10 दिनों का विजिट था, वहाँ पर मैंने देखा जो उनकी कंडीशन थी, मेल हो फीमेल हो, और खासतौर पे अगर जो क्योंकि हिंदू कम्युनिटी सिंध के एरिया में रहती है, बहुत बुरी कंडीशन। हमेशा ब्लेम कर देते हैं, कभी बर्मा की बात करते हैं, कभी कश्मीर की, कभी इंडिया की, वहाँ पर मुसलमानों पर, खवातीन पर बहुत जुल्म हो रहा है। हमें अपने आप पर पहले फोकस करना चाहिए, अपने आप को देने चाहिए, फिर कहीं पर हमें उन लोगों को राइट्स देने हैं या नहीं, ये बात की बात है। पाकिस्तान आए तो रिएक्शन दी, इंडिया में आए बुलेट ट्रेन चला के, तो रिएक्शन दे भारत के लिए हमारे से करना चाहिए। रिएक्शन वीडियो बनाई दी, 100 में से 10 तो बोलेंगे ना यार। एक्चुअली हमने मुस्लिम नहीं, मुस्लिम ब्रिटिश में फाइटर पायलट मिल गए, कोई तरह बोलते ऐसा उत्तर प्रदेश। मुस्लिम फर्स्ट, भारत का फर्स्ट महिला फाइटर पायलट मिल रहा है, जो हेलीकॉप्टर उड़ा है युद्ध है ना, सही एनडीए क्रैक कर रहे थे, एनडीए जो क्रैक है ओला से जेटे पड़ेगी, ओला से नहीं जेटे पड़ेगी। जो इंडियन आर्मी जो मेजर मेजर जो बने, कौन सा बने, एनडीए क्रैक करूँ